अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 12 के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारे पास पहला वर्ड है इस वीडियो का, वो है श्याओ, XIAO, श्याओ, जिस तरह हम बोलते थे ना च्याओ, ठीक है, च्या, इसी तरह हमने श्याओ, श्याओ, एक्स को चाइनीज में शीन की तरह बोला जाता है, यानी श्याओ, और इसका मतलब है स्मॉल यानी छोटा, स्मॉल यानी छोटा, श्याओ, छोटा, स्मॉल। अब ये देखें, अगर हम इसके साथ लगा दें शोए श्याओ, शोए श्याओ के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, स्कूल। अब तक हम स्कूल को इंग्लिश वाले स्कूल की तरह ही इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन चाइनीज के अंदर स्कूल को कहते हैं शोए श्याओ, शोए श्याओ, एक्स यू ई शोए, एक्स आई ए ओ श्याओ, यानी शोए श्याओ, शोए श्याओ मतलब स्कूल, ठीक है। अब से आपने क्या बोलना है स्कूल को, शोए श्याओ। वाच हू शोए श्याओ, मैं स्कूल जा रहा हूं, वाच हू शोए श्याओ, वाच हू शोए श्याओ शोए शी, वाच हू शोए श्याओ, मैं स्कूल जा रहा हूं शोए शी पढ़ने, ठीक है। वाच हू शोए श्याओ शोए शी, मैं स्कूल जा रहा हूं पढ़ने, वाच हू शोए श्याओ, मैं स्कूल जा रहा हूं शोए शी पढ़ने, चुंगु वन, चुंगुवन चीनी जुबान, वाचू शोए श्याओ शोए शी चुंगुवन, मैं स्कूल चीनी जुबान पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है, शोए श्याओ स्कूल। इसी तरह हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है युआन, वाई यू ए एन, युआन, युआन, इसे कैसे बोलेंगे, यू आन, युआन, युआन, इसका मतलब होता है फार यानी दूर, दूर हम कैसे चाइनीज में बोलते हैं, युआन, युआन। अब ये देखें, युआन से पहले अगर हम शोए लगा देंगे तो ये बन जाएगा कॉलेज, कितना आसान है, यानी शोए युआन कॉलेज, शोए युआन मतलब कॉलेज, शोए युआन, साथ बोलें शोए युआन यानी कॉलेज। था छू शोए युआन, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जाएगा, था छू वो जाएगा, शोए युआन, शोए युआन कॉलेज, शोए युआन कॉलेज, शोए युआन कॉलेज, ठीक है। नी छू शोए युआन मा, क्या तुम कॉलेज जा रहे हो, नी छू क्या तुम नी छू शोए युआन मा, क्या तुम कॉलेज जा रहे हो, जवाब क्या होगा, वा छू शोए युआन, मैं कॉलेज जा रहा हूं, वा छू शोए युआन, मैं कॉलेज जा रहा हूं, ठीक है, शोए युआन मतलब कॉलेज। इसी तरह दोस्तों हमारे पास एक वर्ड है डी ए ता, यानी हमने देखा कि डी को चाइनीज में ते बोला जाता है, डी ए ता, ता यानी बिग, बड़ा, बड़ी चीज है, बड़ा, उसको क्या बोलेंगे, ता, ता, डी ए ता, बिग बड़ा, ता बिग बड़ा। अगर ता के बाद शोए लगा दें तो ये क्या बन जाता है, यूनिवर्सिटी, यानी ता शोए, ता शोए, ता शोए, ता शोए मतलब यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को चाइनीज में कैसे बोला जाता है, ता शोए। अभी तक हमने देखा कि स्कूल को कैसे बोलते हैं, शोए श्याओ, कॉलेज को शोए युआन, और अब यूनिवर्सिटी को कैसे बोलेंगे, ता शोए, ता शोए, ठीक है। वा छू ता शोए, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूं या मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा,
या मैं यूनिवर्सिटी गया था, यानी तीनों के लिए एक ही। वा छू ता शोए, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, ता शोए। और ये हमारे पास है मिंग थियन नी छू ता शोए शोइशिमा, यानी मिंग थियन कल नी छू तुम जाओगे ता शोए यूनिवर्सिटी शोइशी पढ़ने, मा क्या, यानी क्या कल तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने जाओगे। मिंग थियन नी छू ता शोए शोइशिमा, तो जवाब क्या होगा, मिंग थियन वा छू ता शोए शोइशी, यानी कल मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने जाऊंगा। ये हमारा एक जुमला है यहां तक, मिंग थियन वा छू ता शोए, मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगा। आप इसके ऊपर गौर करें, मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूं, मिंग थियन वा छू ठीक है ता शोए, मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगा। यूनिवर्सिटी में अब क्या करने जाना है, शोएशी पढ़ने, ठीक है, मा लग गया था तो वो क्वेश्चन बन गया। इसी तरह जो थियन नी छू शोएशी आओ शोएशी शम्मा, शम्मा मतलब व्हाट, क्या। अब वो क्या पूछ रहा है, जो थियन कल गुजरे हुए कल नी छू तुम गए थे शोएशी आओ स्कूल, शोएशी आओ स्कूल शोएशी पढ़ने, शम्मा क्या। अब जवाब क्या दे रहा है, जो थियन वा छू शोएशी आओ, कल मैं स्कूल गया था शोएशी चुंगवन चीनी जुबान पढ़ने, ठीक है। जो थियन वा छू शोएशी आओ शोएशी चुंगवन, कल मैं स्कूल चीनी जुबान पढ़ने गया था। नी द गागा छू चुंगवा मा, आपके बड़े भाई चाइना जाएंगे, नी द गागा आपके बड़े भाई छू जाएंगे चुंगवा मा चाइना, वा द गागा छू मेरे बड़े भाई जाएंगे चुंगवा चाइना, चुंगवा यानी चाइना, पिछली वीडियो में हमने देखा था चुंगवा चाइना। नी द मे आपकी छोटी बहन शोइशिमा पढ़ती है, नी द मे शोइशिमा आपकी छोटी बहन पढ़ती है, वा द मे शोइशी मेरी छोटी बहन पढ़ती है। नी द तीती छू शोएशियाओमा, आपके छोटे भाई छू जाएंगे शोएशियाओ स्कूल मा क्या, क्या आपके छोटे भाई स्कूल जाएंगे, वा द तीती छू शोएशियाओ मेरे छोटे भाई स्कूल जाएंगे, ठीक है। जो थियन नी द शूशू कल आपके अंकल लाए आए थे शोयुआन कॉलेज शोएशी पढ़ने, शम्मा क्या, ठीक है। इसका मतलब कल आपके अंकल कॉलेज में क्या पढ़ने आए थे, ठीक है। जो थियन नी द शूशू लाए शोयुआन शोएशी शम्मा, कल आपके अंकल कॉलेज में क्या पढ़ने आए थे, तो इसका आंसर है जो थियन वा द शूशू लाए शोयुआन शोएशी चुंगवन, कल मेरे अंकल कॉलेज में चीनी जुबान पढ़ने आए थे। अगर आपने गौर किया हो तो क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर है, यानी बस इस निदा की जगह लग गया है वादा, ठीक है, और ये शम्मा की जगह लग गया है चुंगवन, यानी चाइनीज के अंदर क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर होता है, बस एक दो चीजें आपने बदलनी होती है। नी शोएशी मा वा ये शोएशी, ये मैं आपको बताना चाह रहा था जो मेरा पिछली वीडियो में मिस हो गया था, यानी अगर आपने कहना कि मैं भी पढ़ता हूं, तो ये हमने देखा था स्टार्टिंग वीडियो में कि ये किस लिए हम यूज करते हैं, बी के लिए, बी आल्सो। तो अगर इसमें आपने आल्सो का इस्तेमाल करना है तो आप कहां पे करेंगे, शोएशी से पहले, वा ये शोएशी मैं भी पढ़ता हूं, वा ये शोएशी मैं भी पढ़ता हूं, यानी ये कहां आएगा, शोएशी से पहले। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आई होगी, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें और बहुत सारी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें, अपने घर वालों के साथ, और चाइनीज जुबान सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।